हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता सिंह मोटिवेशन। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे ऐसे बिलीव्स के बारे में, ऐसी हैबिट्स के बारे में जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो बिलीव्स हैं, वो हैबिट्स हैं जिसे आप डेली बेस पर फॉलो करते हो और ये हैबिट्स आपको एक ऐसी स्टेज में बनाए रखती हैं जिसकी वजह से आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो लोग, वो सर्कमस्टेंस आते ही नहीं जिसके थ्रू आप ज़्यादा पैसा कमा पाओ। आखिर ये बिलीव्स और ये हैबिट्स हैं क्या, इसी के बारे में अब हम डिटेल में बातें करेंगे। पहला जो बिलीव है वो बिलीव है कि ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना सारी बुराइयों की जड़ है, यानी कि मनी इज़ अ रूट ऑफ ऑल इविल। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो घमंडी हो जाते हैं, उनके पास संस्कार नहीं बसते या उनको बहुत तरह की बीमारियां घेरे रखती हैं। ज़्यादा पैसा कमाना आपको एक बुरा इंसान बना देता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिनके पास कम पैसा है, आप किसी स्लम एरिया में जाइए या ऐसी सोसाइटी में जाइए जहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग नहीं है, ज़्यादा गरीब मतलब बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, तो क्या आपको वहाँ पर कोई बीमार नहीं दिखता? क्या ऐसे लोग नहीं दिखते जो चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब, गांजा, चरस खाते हैं? या ऐसे लोग नहीं दिखते जो अपनी अपनी सोसाइटी में सबको गाली गलौज करते हैं? आपको ऐसे लोग नहीं दिखते जो घमंडी होते हैं? तो पैसे से गरीब का या अमीर का कोई संबंध ही नहीं है, ये संस्कार की बात है। चाहे वो गरीब इंसान हो या अमीर, संस्कार गरीब इंसान में भी होते हैं, अमीर इंसान में भी होते हैं। अच्छाई गरीब इंसान में भी होती है, अमीर इंसान में भी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, पैसे से इसका कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप गरीब हो और आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, अगर आप अच्छे इंसान हो तो उस पैसे को आप एक अच्छी जगह पर यूटिलाइज करोगे, जैसे सोनू सूद ने किया। उसने अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो क्या वो इस तरह के सोसाइटी के लिए कोई काम कर पाते? ज़्यादातर जो अनाथ आश्रम खुले हैं, वृद्धा आश्रम खुले हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट खुली हैं, उन्हें क्या गरीब लोग चलाते हैं? अमीर लोग नहीं चलाते। उनके पास जो पैसा आता है, अगर उनके अंदर दिल नहीं है या वो बुरे लोग हैं या वो घमंडी हैं या सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचते, तो क्यों वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करते हैं? क्यों उन्होंने अनाथ आश्रम बनवाए हैं? क्यों वृद्धा आश्रम बनवाए हैं? किसी गरीब के माइंड में तो ये कभी आता ही नहीं। कितने वृद्धा आश्रम हैं या अनाथ आश्रम हैं या सोशल वर्क है जो गरीबों के पैसों से चलते हैं? सिंपल सी बात है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे दिल के लोग हैं, वो गरीबी और अमीरी से उनका कोई संबंध ही नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा दान करते हैं, जितना ज़्यादा पैसा उनके पास होता है उतना ज़्यादा वो दान करते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं। तो ये सोचना कि पैसा आने से हम बुरे हो जाएंगे या इसकी वजह से इंसान बुरा हो जाता है, ये सोचना गलत है और ये इंसान का बिलीव है। जब अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इविल, तब तक आपकी लाइफ में पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पैसे को बुरा समझते हो। तो जिस चीज को आप बुरा समझते हो तो वो आपकी लाइफ में क्यों आएगा? सेकंड जो बिलीव है वो है कि अर्निंग मनी इज अ हार्ड वर्क, यानी कि ज्यादा पैसा कमाना या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करते हैं। अगर वो एक जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो वो दो जॉब पकड़ते हैं और कंटिन्यू वो मेहनत करते रहते हैं, अपने घंटों को बढ़ा देते हैं, अपने काम के आवर्स को बढ़ा देते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि उनको लगता है जितना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगी या जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा पैसा मैं कमा पाऊँगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये आपने अपने दिमाग में सोच रखा है, ये एक बिलीव बना रखा है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक गोलगप्पे वाला है, वो रात को 3-4 बजे जगता है और गोलगप्पा बनाने के लिए चटनी बनाता है, गोलगप्पे तैयार करता है, तो उन गोलगप्पों को बेचने के लिए एक दिन की जो कमाई होती है उसकी, वो उतनी ही होती है जिससे वो सर्वाइव कर पाए और उसके लिए वो जी जान लगाता है, इतनी मेहनत करता है। वो इंसान जो गोलगप्पे बेचता है, उसके दिमाग, उसका माइंड सेट है कि पैसा मेहनत करके कमाया जाता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादातर जो मजदूर हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि
ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे कामों से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। बहुत से लोग आपको मिले होंगे आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपने खुद देखे होंगे जो 3-4 घंटे मेहनत करते हैं और लाखों रुपये कमा लेते हैं, क्योंकि उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो आप इस बिलीफ को जब तक अपने माइंड में बसाए रखेंगे तब तक ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होने ही नहीं देगा। थर्ड जो आपका बिलीफ है वो है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपके पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये भी एक बिलीव है, सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि आपने खुद अपनी सोसाइटी समाज में देखा होगा कि अनपढ़ लोग भी लाखों रुपए कमा लेते हैं और डिग्री वाले लोग अपने घर में बैठे हैं, मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, या जिनकी जॉब नहीं लग रही। डिग्री, सर्टिफिकेट या एजुकेशन होना ज़्यादा पैसा कमाने की गारंटी नहीं है। ज़्यादा पैसा आपके माइंडसेट से कमाया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी से कमाया जाता है, ना कि डिग्री सर्टिफिकेट से। हाँ, डिग्री सर्टिफिकेट और एजुकेशन होना आपके लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है जिसको हमेशा कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये सोचना कि उसके बगैर ज़्यादा पैसा कमाया ही नहीं जा सकता वो गलत है, वो सिर्फ आपका बिलीव है, सच्चाई नहीं। फोर्थ जो बिलीव है वो है कि लोगों को लगता है कि अगर हम पैसा दान करेंगे तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी। यानी कि अगर मेरी 10,000 की जॉब है और उसमें से मैं 500 रुपये या 1,000 रुपये किसी को दान कर दूंगी या किसी की हेल्प कर दूंगी तो मेरे पास 9,000 रुपये बचेंगे और 9,000 रुपये में मेरे घर को चलाना मुश्किल हो जाएगा, मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, मेरी लाइफ में पैसों की कमी आ जाएगी। ये भी सिर्फ एक बिलीव है, सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा भी समझते हैं तो आप जैसा सोचते हो वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो। यानी कि आप अगर ये सोचते हो कि किसी की हेल्प करने से, किसी की 1,500 रुपये की हेल्प करने से आपकी लाइफ में इतने पैसों की कटौती हो जाएगी, तो सचमुच आपकी लाइफ में कटौती हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुश होकर 500, 1,000, 2,000 रुपये किसी को दान कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो एक तरह से आप दाता बन गए। जब आप दाता बनते हो तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो दाता यानी कि सुपीरियर होती है, और जब सुपीरियर आपकी फीलिंग है तो वही फीलिंग ब्रह्मांड में जाती है, तो उसी तरह की सिचुएशन को, उसी तरह की अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लेकर आती है। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी सरकमस्टेंस, ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये दाता बनने की फीलिंग यानी कि किसी की हेल्प करने की फीलिंग हमेशा देती रहे। यानी कि आपके पास पैसा इतना बार बार बना रहेगा कि बार बार आप किसी की हेल्प कर पाओ। अपने आप कहीं ना कहीं से वो पैसा जो आप किसी की हेल्प करने के लिए देते हो वो आपकी लाइफ में घूम फिर कर वापस आ जाएगा, वो भी 3 गुना बनकर, क्योंकि जो भी आप ब्रह्मांड में देते हो वो 3 गुना बनकर आपकी लाइफ में वापस आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। जो नेक्स्ट बिलीव है वो है जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो है बार्गेनिंग इज गुड। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बार्गेनिंग करना एक अच्छी आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप बार्गेनिंग करते हैं तब आप कंटिन्यूस बेस पर इस ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग छोड़ते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे चीज़ें सस्ती चाहिए क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। आप इस ब्रह्मांड में ये सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे ये चीज़ें सस्ती करके दो, मुझे ये जो ये चीज़ है वो एक्सपेंसिव है, ये चीज़ महंगी है, जबकि आपको क्या सोचना चाहिए, ये चीज़ सस्ती है, मेरे पास इससे हमेशा ज़्यादा पैसा है। जबकि अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा है वो ये हैबिट कभी भी फॉलो नहीं करते, वो मानते हैं कि बार्गेनिंग इज़ अ बैड थिंग। जैसे आप किसी ऑटो वाले से मिलते हो और वो कहता है कि मैं 30 रुपये में जाऊँगा, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं 25 रुपये दूंगा या 20 रुपये दूंगा।
तो आप कोशिश करते हो कि उससे 5 रुपये या 10 रुपये बचा लो। लेकिन एक अमीर इंसान या जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझता है, वो ये गलती कभी नहीं करता। वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे 30 रुपये तो देता ही है, साथ में 5-10 रुपये एक्स्ट्रा देता है ये कहकर कि कीप द चेंज। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पैसे तोड़वाऊंगा, यानी कि मैं नेगेटिव फीलिंग एलिमिनेट कर रहा हूँ, नेगेटिव सिग्नल भगवान को भेज रहा हूँ, ये सिग्नल कि जो बता रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है। लेकिन अगर वो कीप द चेंज कह के 5-10 रुपये छोड़ देगा, तो एक दाता बन गया वो, जिसकी वजह से 3 गुना होकर जो पैसा वो छोड़ रहा है वो वापस उसकी लाइफ में आ जाएगा। और ये हैबिट अमीर लोग फॉलो करते हैं, गरीब नहीं। गरीब लोग डायलॉग मारते हैं कि नहीं, उसके पास बहुत पैसा है, वो ऐसे पैसे लुटाता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उसके पास बहुत पैसा क्यों है। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से, उसके यही कहने से कि कीप द चेंज। जो फाइनल थॉट है, फाइनल बिलीव है लोगों का, वो है कि एक सिक्योर जॉब पकड़ना रेदर देन अ रिस्की बिजनेस। यानी कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास लोग, कि उन्हें एक सरकारी जॉब मिल जाए ताकि उसमें उनको सिक्योरिटी मिले और सारी जिंदगी वो उनके पास पैसा आता रहे और रिटायरमेंट के बाद इनफ मनी हो उनके पास। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि सैलरी कितनी भी होगी, 30,000, 35,000, 50,000, 1,00,000, लेकिन उसमें हमेशा फाउंडेशन होगी। क्योंकि आप 1,00,000 सैलरी या 2,00,000 सैलरी में भी ऐश की जिंदगी नहीं जी सकते। आप रिच मैन कैटेगरी में आएंगे ही नहीं सिक्योर जॉब के जरिए। आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, आपकी कितनी भी अच्छी सरकारी जॉब क्यों ना हो, आप रिच कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आप रिच मैन बनना चाहते हैं, अगर आपको एक मर्सिडीज कार चाहिए, तो उस मर्सिडीज कार की जो प्राइस है वो 60-70 लाख है मिनिमम, और करोड़ों में जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप मर्सिडीज कार अफोर्ड कर सकते हैं अपनी सरकारी जॉब से? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको रिच बनना है, यानी कि आपको फाइनेंशियली वेल्दी बनना है, आपको अमीर लोग कैटेगरी में आना है, तो आपको ये सोचना छोड़ना होगा कि सिक्योर जॉब अच्छी है और बिजनेस बेकार। हाँ, ये सच है कि अगर आपको वो सिक्योर जॉब करना पसंद है, क्योंकि हर इंसान को वही करना चाहिए जो उसको करना पसंद हो, लेकिन मनी वाइज नहीं, पसंद के हिसाब से, यानी लाइक के हिसाब से, चाहत के हिसाब से। कई लोगों को पुलिस बनना पसंद होता है, कई लोगों को IAS ऑफिसर बनना पसंद होता है, इसलिए नहीं कि उसमें सिक्योर वो मिलेगी सैलरी, इसलिए कि उसके पीछे जो पावर मिलेगी, उस पावर को पाकर वो खुश होंगे, उससे उन्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो अलग बात है। लेकिन अगर सैलरी के बेस पर कि सिक्योर जॉब मिलेगी, सिक्योर अर्निंग मिलेगी, इस बेस पर आप अगर आप सरकारी जॉब चूज करते हो, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि ये सोच की वजह से, इस थिंकिंग की वजह से आप फाइनेंशियली अमीर कभी नहीं बन पाते। तो ये थे हमारे कुछ बिलीव। अब बात करते हैं हैबिट्स की, जो ऐसी हैबिट्स जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती। पहली हैबिट तो वही है बार्गेनिंग करना। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बार्गेनिंग करते हैं, उतनी ज़्यादा इस यूनिवर्स में सिग्नल छोड़ते हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपको चीज़ें सस्ती चाहिए, आप इतना पैसा दे ही नहीं सकते, इसलिए आप बार्गेनिंग करते हो। तो बार्गेनिंग इज अ बैड हैबिट। तो आपको यह हैबिट फॉलो नहीं करनी अगर आप सचमुच अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेस चाहते हो। सेकंड हैबिट है कर्सिंग दी मनी, यानी कि पैसे को कंटिन्यूस बेस पर कर्स करना, बार बार ये कहना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। ज़्यादातर लोग घर घर में ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग यही कह सकते हैं हमारे घर में पैसा ही नहीं है, पैसा आते ही चला जाता है, महीने के आखिरी तक पैसा बचता ही नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकती, मैं वो नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे की कमी है, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा, हमारे पास पैसा है होता ही नहीं है, पैसा हाथ में आते ही गायब हो जाता है, मैं पैसा बचा ही नहीं पाती। तो आप पूरे दिन में ना जाने कितनी बार पैसे को कोसते हो, कर्ज करते हो, और ये हैबिट आपको उस सिचुएशन में बनाए रखती है कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते फाइनेंशली।
क्योंकि आप यूनिवर्स में यही सिग्नल भेज रहे हो। उल्टा आपको ये बोलना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, जितना भी पैसा आसानी से मेरे घर का खर्चा चल जाता है। आपको ये जो आपकी अफर्मेशंस हैं, यानी कि जो आप बोलते हो, जो लाइनें आप रिपीट करते हो डेली बेस पर, वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे, बार बार मनी को कर्स करेंगे, तो आपकी सिचुएशन भी वैसी ही बनी रहेगी। अगर आप अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहते हो, तो आपको वो चीज़ें चेंज करनी होंगी जिसकी वजह से वो सिचुएशन बनी हुई है। जो थर्ड हैबिट है लोगों की, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो, वो है चीज़ें उधार खरीदना, खासकर घर का सामान उधार खरीदना, स्पेशली परचूने की दुकान वगैरह से जो लोग उधार खरीदते हैं चीज़ें। क्योंकि जब आप चीज़ें उधार खरीदते हो, तो आप दाता की कैटेगरी में नहीं रहते, आपके माइंड में हमेशा ये टेंशन बनी रहती है कि मुझे अभी पैसा देना है, अभी पैसा देना है, अभी पैसा देना है। ज़्यादातर ये हैबिट दो तीन चीज़ों में होती है। एक हैबिट होती है परचूने की दुकान, जो हमारे जनरल स्टोर होते हैं उसमें अपना एक खाता बनवा लेते हैं, जहाँ पर हम इसको डेली बेस पर प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ, जब पैसा आ जाएगा तब हम उसको चुकाएंगे। और ये आपको सिचुएशन में बनाए रखता है, सिग्नल भेजते रहते हो ब्रह्मांड में। और सेकेंड जगह है दूध वाले को देना। दूध वाले को हम हमेशा मंथली बेस पर देते हैं पैसे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इन हैबिट को उलट सकते हो, यानी कि उन लोगों को आप एडवांस में पैसे दे सकते हो। परचूने की दुकान पे आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये जमा कर सकते हो, और फिर जो पैसे उनके पास जमा होंगे, उसमें से आपके पैसे कटते रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास एडवांस में पैसे जमा रहेंगे, तो आपके पैसे उसमें से कटेंगे, तो आप एक दाता बन गए। और आपकी जो फीलिंग कौन सी वाइब्रेट करेंगी, वो वाली कि मैंने ऑलरेडी उनको पैसे दे दिए, मैं एक दाता हूँ। आप एक का जो थॉट पैटर्न होगा वो सुपीरियर लेवल का होगा, वही चीज़ दूध में होगी। और जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, क्रेडिट कार्ड के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें, घर की रोज़मर्रा की चीज़ें उधार ले लेते हैं, उधार खरीद लेते हैं, उधार शॉपिंग करते हैं। ये भी हमको उस सिचुएशन में बनाए रखती है। जब से ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चला आ रहा है, तब से जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी फाइनेंशियली ग्रोथ और भी डाउन चली गई है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर हो गए और डाउन चली गई है, सिर्फ इस वजह से कि वो क्रेडिट्स का यूज़ करते हैं। और जो कंटिन्यूस आपके माइंड में वो फीलिंग जनरेट करवाता रहता है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशली वो सिग्नल यूनिवर्स में नहीं भेज पाते जो सिग्नल आपको यूनिवर्स में भेजना चाहिए। आपको प्रॉस्पेरिटी के सिग्नल भेजना चाहिए, आप पैसे की कमी के, लैक ऑफ मनी के सिग्नल ब्रह्मांड में भेजते हो। और ये हैबिट बहुत ही खतरनाक हैबिट होती हैं। और जो आपकी फाइनल हैबिट है, वो है पैसे इनकम के लिए मनी सेव करना। यानी कि आपके पास अगर 10,000 की सैलरी है, तो आप वो पूरी की पूरी सैलरी अपने घर के खर्चे व्यय करने में लगा देते हो। और अगर आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ गई है, तो आप अपने खर्चे भी 2,000 बढ़ा लेते हो। तो आपकी जो अर्निंग 2,000 बढ़ी, यानी 12,000 सैलरी होने के बावजूद भी आपके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए, लेकिन आपने 2,000 रुपये बचाए नहीं उस चीज़ के लिए जिससे आप कुछ टाइम बाद पैसिव इनकम जनरेट कर सको। अगर जर्नली बेस पर अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 2,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ गई है, या किसी तरह से आपने साइड हसल के थ्रू अपनी 2,000 इनकम बढ़ा ली है, तो उस अर्निंग को आपको सेव करना चाहिए एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उस पैसे को जोड़ते हुए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लोग। प्रॉपर्टी में चलो 2,000 रुपये आपको बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन आप रेगुलर बेस पर इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तो वही 2,000 रुपये इतने हो जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटे छोटे बिजनेस खुलवा सकते हो लोगों के कामों में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमेटियाँ डालकर एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो आप एक साइड इनकम बचाते रहो अपनी सैलरी में से, और उसका मकसद होना चाहिए कि मुझे ये पैसा ऐसी जगह पे लगाना है जिससे रेगुलर बेस पर मेरे पास मनी आती रहे बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के। उसे कहते हैं पैसिव इनकम, यानी कि आपको एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज, ज़्यादातर लोग इस हैबिट को प्रैक्टिस नहीं करते, और वो जितना भी पैसा कमाते हैं उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं अपने घर की खर्चों में। और एक टाइम ऐसा आता है जब खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, और आपके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता कि आपकी पैसिव इनकम आए, स्पेशली बुढ़ापे में।
क्योंकि आपके जिनकी प्राइवेट जॉब है, जिनकी सरकारी जॉब नहीं है, उनको बुढ़ापे में इसकी सबसे ज़्यादा, ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो एक्टिवली अपनी जॉब में इन्वॉल्व नहीं रहते और पैसिव इनकम सोर्स कोई क्रिएट करते नहीं है, तो उस टाइम पे उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचता, कई बार खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पैसिव इनकम का कोई बंदोबस्त नहीं करते और जब बुढ़ापा आता है तो अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस समय आज से ही ये प्रैक्टिस करना शुरू करें कि आपको एक पैसिव इनकम के लिए एक बचत प्लान बनाना है, ताकि बुढ़ापे में आपको एक इतनी पैसा आपको आता रहे, 4,000 5,000 10,000 मंथली, ताकि आपको उस टाइम पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कुछ आदतें, कुछ बिलीव्स जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होने देती। अब इन आदतों को, इन बिलीव्स को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो कल का वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगी कि आपके हेल्थ को लेकर कौन से बिलीव्स है, कौन सी हैबिट्स है जो आपको हेल्दी नहीं होने देती। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हेल्थ को लेकर बहुत से इशू होते हैं, लेकिन आप कुछ आपके बिलीव्स होते हैं, कुछ आपकी हैबिट्स होती हैं जिन्हें आप रेगुलर बेस पर फॉलो करते हो, उसकी वजह से आप हेल्दी नहीं हो पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।